ये स्टूडेंट, अभी मैंने आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में बताया। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने में किया जाता है। तो हियर नाउ वी टेक ए प्रॉब्लम, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट इक्वल टू बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हाउ टू सॉल्व दिस, यू सी गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट इक्वल टू, इट इज द गिवन इक्वेशन। कंपेयरिंग दिस विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये आपका गिवन था और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ जनरल फॉर्म होता है, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग बी है, यहां हमें कंपेयर करना है, तो देखो कंपेयर करोगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी ए है और यहां पर क्या माना जाएगा, तो ए इक्वल क्या आ जाएगा वन और बी इक्वल माइनस फोर एंड सी इक्वल माइनस एट। Now using the quadratic formula, आप कैसे first you find d, पहले आप d निकाल सकते हो, तो now d equal, d equal होता है b square minus 4ac, 4ac, now put the values of a, b, c, b means minus 4, minus 4, a means 1 और c means माइनस एट, ए बी सी की हमने वैल्यू रखी। आप जरा देखो आगे, माइनस फोर का स्क्वायर कितना होगा, सोलह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस, एट फोर जा थर्टी टू, आठ टू बत्तीस। अब जरा ये कितना हो जाएगा, बत्तीस और सिक्सटीन आपको प्लस करना है, सिक्स टू एट एंड थ्री और वन फोर, तो 32 and 16, 48 आ गया, 48 इज ग्रेटर देन 0। नाउ वी एक्सप्लेन इट बाय द नेचर ऑफ रूट्स, तो ग्रेटर देन 0 होता है तो दैट इंप्लाइज रूट्स आर, एनी वन ऑफ यू, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, हियर सी रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूल आपके कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे और अलग अलग होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक, ओके।